मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रबड़ी। ठंडी ठंडी खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ऐसे मौसम में रबड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, जल्दी से बनने वाली रबड़ी है और टेस्टी भी बहुत है। चलिए शुरू करते हैं बनाना अपनी रबड़ी। इसकी बड़ी सी कोई कढ़ाई ले लें और इसमें डालेंगे दूध। दूध हम डालेंगे इसमें 1.5 लीटर। गैस हमने नीचे से खोल दिया है और दूध में बॉयल आने देंगे। आप देख सकते हैं दूध हमारा जो है ये उबलने वाला है। इसको हिला लेते हैं, इसको दूध को हिलाते रहें ताकि तले पे जो है दूध लगे ना। लगातार हमने इसको हिलाते रहना है, हमने दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है, गैस का फ्लेम हमारा तेज है। जब भी हम रबड़ी बनाते हैं कोशिश करें बर्तन जो है जिसमें हम कढ़ाई लें वो बड़े साइज की लें। इससे क्या होगा, दूध बाद नहीं गिरेगा। हमने गैस तेज पे बनाएंगे और ये मलाई जो आप देख रहे हैं साइड में आ जाती है, इसको साइड पे कर लेते हैं। इस तरह से मलाई जो है साइड पे करते रहें, जैसे जैसे मलाई की परत ऊपर आती जाएगी उसको साइड करते रहें। इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारी रबड़ी इस तरह से बनकर तैयार होगी। दूध जो जो आप यूज़ करें कोशिश करें फुल फैट लेने का, नहीं तो आपके पास जो भी हो आप वो घर में वो दूध ले सकते हैं। रबड़ी सभी की अच्छी बनती है, फुल फैट की थोड़ी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो इसी तरह से हमने इसको उबालते रहना है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये बॉयल हो रहा है, इसी तरह से हमने तेज गैस पर इसको बॉयल करना है। दूध की क्वान्टिटी भी काफ़ी कम हो गई है, गाढ़ा हो रहा है और मलाई भी हमने जो है इस तरह से साइड पर हम करते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने करते जाना है, इसमें बॉयल आते जाना है। हमने इसी तरह से इसमें बॉईल जो है लेते देना है थोड़ी देर और, ताकि थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो। तो अब देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसी तरह से हमने इसको गाढ़ा करना है। तो अब देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया और थोड़ा सा ही दूध रह गया। इसके अंदर आप डालेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी आप उतनी डालें जितना मीठा पसंद करते हैं। ये 1/4 कप इसमें हमने चीनी का डाल दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से चीनी को भी मेल्ट होने दें। लीजिए अच्छे से हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी रबड़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। गैस को भी बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर करेंगे अगला स्टेप। तो नीचे रबड़ी तैयार है और इसको हम करेंगे सर्व। ये देखिए कितनी लच्छेदार हमारी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। ये आप देख रहे हैं मज़ेदार थी, लच्छेदार रबड़ी जैसे हमारी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी लच्छे वाली हमारी ये रबड़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार ये रबड़ी है। इसे फ्रिज में रख के चेट करके खाएं, आप देखें कितनी मज़ेदार ये बनेगी। ऊपर से गार्निश कर देंगे इसको बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते के साथ और साथ में बादाम के साथ, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ही लगेगी। तो इसी तरह से इसको बनाएं, बहुत टेस्टी बहुत ही मज़ेदार हमारी ये जो है रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल बाजार जैसी। फ्रिज में रखें चिट करके इसको खाएं और देखें कितनी आपको ये अच्छी मज़ेदार लग रही है। इस गर्मियों में इसको ज़रूर बनाइएगा। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।